चांदनी चौक में डॉक्टर हर्षवर्धन 2014 का चुनाव जिन्होंने जीता था, एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। और जेपी अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के बड़े नेता को उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में उतारा है, जबकि ये देखिए वो चेहरे आपके सामने हम जल्दी से ही रखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चुनावी मैदान में एक बार फिर से, वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी से जेपी अग्रवाल, तीसरी तरफ है पंकज गुप्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। तीनों ही वैश्य, आपको बता दें 18% वैश्य आबादी वाला चांदनी चौक, व्यापारियों के प्रभाव वाला ये पूरा का पूरा इलाका है। इस बार का मुकाबला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चांदनी चौक का। तो ये तीन चेहरे हमने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन आज अपनी उम्मीदवारी को लेकर, मतदान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत की है आज तक संवाददाता ने, सुनिए। मैसेज दिल्ली वालों के लिए तो स्पेशल क्या, सारे देश के लिए मैसेज यही है कि भाई जहां जहां चुनाव हो रहा है सब लोग अपने मतदान मताधिकार का प्रयोग करें, घर से बाहर निकलें और वोट डालने के लिए जो है अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर जाएं। और ये हम समझते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय धर्म भी है, राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, और 2019 का चुनाव ये आने वाले समय में नए भारत की विकास यात्रा का चुनाव है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की जीत, ये भारत की जीत होगी, इसलिए सब लोग पूरे हृदय मन और आत्मा से अपने राष्ट्र धर्म का पालन करें। सर दिल्ली में कैसे मुकाबला है? अभी तो इतने दिन से ढूंढ रहा हूं, कल रात तक तो कोई मुकाबला मिला नहीं मुझे। तो सर क्या लग रहा है इस बार भारी बहुमत से? अब देखो कोई, ये तो कोई मैं कोई एस्ट्रोलॉजर या पंडित नहीं हूँ, लेकिन 2014 से 2019 में जीत की क्वालिटी बेहतर होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन को भी मोदी लहर का भरोसा है। जब मैंने उनसे बातचीत की थी उन्होंने ये कहा था कि मैं तो चुनाव जीत चुका हूं, मुकाबले में किसी को भी नहीं मानते हुए कहते हुए कि मैं तो ढूंढ रहा हूं कि मेरे